हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्योति प्राची व्लॉग्स में स्वागत है। तो इस समय चल रही नवरात्रि और हम लोग रेडी हो चुके हैं। और हम लोग रेडी होके कहाँ जा रहे हैं, हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, तो वो आप लोग को व्लॉग में रहते हुए पता चल जाएगा। आप लोग मेरी पूरी व्लॉग देखिए तो आप लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और फिलहाल अभी हम लोग गाड़ी का वेट कर रहे हैं कि गाड़ी आ जाए, फिर हम लोग जाएँ। तो और किस कौन कौन जा रहा है हम लोग के साथ, तो वो आप देखिएगा वीडियो में कौन कौन हम लोग के साथ जा रहा है। फिलहाल तो अभी हम लोग गाड़ी का वेट कर रहे हैं और देखते हैं वहाँ कैसा लगता है। वहाँ बहुत अच्छा प्लेस है और आप लोग को भी देखते रहिए वीडियो में, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि वहाँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। लोग आ गए हैं उस जगह घूमने और आप लोग को दिखाते हैं कि कहाँ घूमने आए हैं ना। ये थी हमारी गाड़ी जो हम लोग वेट करते करते वेट कर आ गई थी। हम लोग इसी गाड़ी में बैठ के आए हैं और ये हम लोग सब लोग इतने लोग आए हैं। मेरी भांजी हैं, दामाद हैं, मेरी दोनों बेटियाँ और मेरे हस्बैंड, ठीक है ना। तो चलिए अब दिखाते हैं आप लोग हम लोग कहाँ घूमने आए हैं। तो ये फाइनली हम लोग आ गए गेट के अंदर। ये गेट जो है तो ये पीछे की ओर है, हम लोग तो पीछे से आ रहे हैं। तो अभी ये जितनी मंदिर है मतलब तो लौट के आके आप लोग को दिखाएंगे कौन से देवता कहाँ हैं। तो फिलहाल जो अभी मतलब हम लोग मंदिर आए हैं और ये है, मतलब आपको बताएंगे किस मंदिर में आए हैं। और अभी जो है तो अभी हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, हनुमान जी का दर्शन करने के लिए, है ना। तो पहले उनका दर्शन हो जाए और उसके बाद जो है तो फिर हम लोग यहाँ आप लोग को दिखाते हैं कि यहाँ क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। और बहुत अच्छा है और अभी तो सूना है, बहुत ज़्यादा सूना सूना है। और यहाँ बहुत अच्छा मेला भी लगता है और बच्चे तो हमारे पहली बार आए हैं। और ये जो है ना दामाद जी हमारे और भांजी, वो भी पहली बार आए हैं। तो ये अब आ गए हम लोग हनुमान जी के पास और ये है गेट उनकी। तो यहाँ पास विशाल हनुमान जी हैं, यहाँ पास जो मूर्ति बैठाई गई है और बहुत अच्छे हैं। और तो यहाँ पास सब लोग हनुमान जी के साथ सेल्फी ले रहे हैं, ये देख लीजिए आप। और मौसम भी काफ़ी चेंज हो गया है यहाँ का, कितना अच्छा मौसम था लेकिन ठंडा ठंडा मौसम हो गया। और इधर बंदर भी बैठे हुए हैं, उनके बानर सेना, ये देखिए दोनों। और ये है यहाँ का सब, चारों तरफ बहुत भरा रहता है हमेशा कि नाच। यहाँ पास सब बैठे हुए हैं देवता देवती श्री रामचरितमानस, क्या नाम है इनका, सुंदर अच्छा नाम, हम जो भी हो आप लोग देखते रहिएगा। मौसम को देखते हुए थोड़ा सा जल्दी से जल्दी हम ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए कि आप लोग देख रहे हैं तो काफ़ी हवा चलने लगी है और पवन देव बहने लगे हैं हनुमान जी के साथ में। और ये क्या चीज़ लगा है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग बताना चाह रहे तो कमेंट बॉक्स में। वो है नारियल पानी पीने, नारियल पानी पीने।
कितना अच्छा लग रहा है। काश काश एक गिर जाता तो कितना अच्छा रहा। तो ये चारों तरफ यही है, इसी तरह है। अब चलिए हम लोग बाहर की ओर दिखाती हूँ, है ना। यहाँ पास बहुत अच्छा, यहाँ पास आप दिखा है, लेकिन ये अभी फ़िलहाल बंद है तो हम लोग घूम भी नहीं सकते हैं, है ना। इसके अंदर बहुत अच्छा लगता है, इस तरह जो है ना गढ़ी हुई मूर्तियाँ हैं इसके अंदर। और मैं गई थी तब मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी। और ये है उधर से फर्स्ट गेट है, लेकिन ये गेट पता नहीं क्यों बंद है कि खुला है, दिख ही नहीं रहा मुझे। हाँ खुला है, ये वाला जो है तो फर्स्ट गेट है। अभी थोड़ा सा क्या है ना, अभी रोशनी है तो खींच लेते हैं, नहीं तो फिर रात जाएगी कितना खींचेंगे, है ना। तो यहाँ पास बैठे हुए हैं शंकर जी, पार्वती, गणेश जी, और बहुत शानदार। और यहाँ का गार्डन इतना सुंदर लग रहा है, वाह। सब उजड़ा चमन दिख रहा। यहाँ पास ये जो पड़ा हुआ है बड़ा अजीब टाइप का लग रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि ये दिख कैसे रहा है ना। तो ये अजीब टाइप का नहीं लग रहा आपको, ये वाला खासकर आप लोग इसको देखिए, ये है ना। और यहाँ पास ये इनका तो सर गायब हो गया। और यहाँ पास कितने सुंदर पर्वत में बैठे हैं भोलेनाथ और माता पार्वती जी, गणेश जी, और ये शायद है कार्तिक, और इधर हनुमान जी, और इधर हवेली। आप लोग देखिए यहाँ की, पता नहीं क्यों ऐसी हो गई है, अब तो अजीब टाइप का दिख रहा है यहाँ का, है जंगले जंगल टाइप का दिख रहा है, वैसे तो पहले नहीं थी। हाँ इस समय मैं हर पे ज़्यादा भीड़ होगी माता रानी को। हाँ हमको ऐसी जगहों की चीज़ें ना, हाँ ऐसा ही लगता है। तो यहाँ पास सब बैठे हुए हैं, ऐसे लगता है कि पंचायत कर रहे हैं सब लोग बैठ के आराम से, दरबार कर रहे हैं। देखिए ना, जैसे हम लोग गांव में बैठ के सब औरतें दरबार करते हैं ना, वैसे ये लोग भी अब मतलब बातें कर रहे होंगे कुछ भगवाने के बारे में, है ना। तो ये रामबन है, और यहाँ पास देख लीजिए इस तरह बन है, बने बन आपको दिखते भी होंगे चारे चारा, ये देखिए। ताकि ऐसा नहीं था इस समय, पता नहीं क्या कारण से इस तरह है ये, है ना। और ये देख लीजिए यहाँ पास ये सब सूखे पड़े हुए हैं, पहले बहुत अच्छा था कि पानी उन्हें चलता था, अब किस कारण से नहीं है मैं क्या बताऊँ आप लोग को, पानी कमी क्यों यहाँ है। यहाँ पानी मिला कुछ, और इस समय गर्मी का सीज़न है शायद पानी इसीलिए बंद है, नहीं तो बहुत अच्छा पानी पूरे उसमें भरा रहता है। और कितना सुंदर लग रहा है आप लोग देखिए, हो गया गंदा लोग करते हैं ना। तो यहाँ पास देखिए कौन बैठे हैं, ये सब जटाऊ है क्या? नहीं, हाँ कौआ है वो, कौआ ना है ये, पता नहीं क्या कह रहा जी, जटाऊ देख के तो लग रहा। तो यहाँ पास भी देख लीजिए बैठे हुए हैं शंकर जी और नंदी बाबा भी हैं,
और सभी देवी देवता बैठे हुए हैं। एक मंदिर उधर भी है और वहाँ पास अभी नहीं जा रही हूँ, और टाइम भी हो रहा है, रात हो रही है, और मैं जा रही हूँ, देखती हूँ इधर कौन कौन सी मंदिर है, कौन कौन से देवता है। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ आ जाओ, दौड़ के आओ। कैसे दौड़ते हो? तो हम लोग घूम घाम के फुर्सत हो गए हैं, जो भी मंदिर जहाँ की भी थी मंदिर की दिखा दिए हैं, और बहुत अच्छा ये मेला वाला लगता है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है, तो हम लोग जा रहे हैं घर की ओर। हम लोग आ गए हैं बाहर। जय श्री राम। आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कैसा लगा कैसा नहीं।